نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، अगर शरीयत के दायरे में रहते हुए तमाम शराइत को पूरा करते हुए IVF किया जाए और कराया जाए तो इस सूरत में अगर जेनेटिक टेस्टिंग हो गई एम्ब्रियो की या तो उसमें उसकी गुंजाइश है, टेस्ट करने में कोई मज़ाक नहीं है। वही शर्त होंगी कि उसमें भी कोई ऐसा काम न किया जाए कि जो शरीयत की मंशा के ख़िलाफ़ है। असल में अपने आप को ऐसे कामों में उलझाना, ऐसी चीज़ों में फंसा लेना कि जो बहुत कुछ मोहूम चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों की बिल्कुल हतमी अभी सूरत हमारे सामने नहीं आ सकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी अर्ली स्टेज में है, तो ऐसे चक्करों में पड़ने से वसाविस, खतरात, खदशात सब पैदा होते हैं। तो क्यों ऐसे चक्करों में आदमी पड़े। बहरहाल IVF वगैरह इस टाइप की चीज़ों से कोशिश करके अपने आप को बचाना चाहिए, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए।